हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं LYF न्यूज। आज फ्रेंड्स हम इस वीडियो में बताएंगे कि यदि आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सेविंग अकाउंट नहीं है तो आप अपने घर से ही कैसे यू मोबाइल के माध्यम से अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो हम यहां पर आपको बता रहे हैं। मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि अब यू जो मोबाइल एप्लीकेशन है, जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है, अब उसको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, ना ही उसका स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। इसलिए मैं आपको दूसरे मोबाइल से उसका वीडियो बना रहा हूं और दूसरे मोबाइल में आपको दिखा रहा हूं। तो यहां पर फ्रेंड्स आपको सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना है यू मोबाइल एप्लीकेशन को और इसको आपको खोलना है। जैसे आप खोलेंगे आप यहां पर देखेंगे एक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा है, एक्टिवेट में आपको क्लिक करना है। और जैसे यहां पर क्लिक करते हैं तो आपको कोई भी सिम को सिलेक्ट कर लेना है जिसको आप अपने सेविंग अकाउंट में ऐड करना चाहते हो, जिस मोबाइल नंबर को। तो यहां पर मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि मेरा एक अकाउंट पहले से है जो एयरटेल से रजिस्टर्ड है, लेकिन मैं यहां पर जियो से रजिस्टर करूंगा क्योंकि इससे ओपन नहीं है और इससे नए अकाउंट ओपन होने का जो ऑप्शन है वो सामने आ जाएगा। यहाँ पर वेरीफाइंग SMS जाएगा और लगभग 1 से 1.5 रुपए चार्ज आपको लग सकता है। तो आपके जो जिस समय से आप एक्टिवेट करना चाहते हैं उसमें बैलेंस होना जरूरी रहेगा। आगे यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ऊपर लिखा है भीम UPI और नीचे यहाँ पर देखें प्रोसीड और नीचे यहाँ पर लिखा है अप्लाई फॉर न्यू अकाउंट। यानी आपके पास में अगर अकाउंट नहीं है तो यहाँ पर अप्लाई फॉर न्यू अकाउंट में आपको क्लिक करना है। और जैसे आप अप्लाई फॉर न्यू अकाउंट में क्लिक करते हैं तो आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की साइट में आप पहुंच जाएंगे और यहां पर आप देखिए कि 3 ऑप्शन यहां पर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले एप्लीकेंट डिटेल्स, यहां पर आप देखिए कि आपको डालना होगा फुल नेम, फिर इसके बाद जेंडर मेल या फीमेल, फिर फादर्स नेम आपको सेलेक्ट करना है और फिर इसके पश्चात आपको मदर्स नेम सेलेक्ट करना होगा, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी होगी, मोबाइल नंबर डालना है, पैन नंबर डालना है और आधार नंबर डालना है, ईमेल आईडी, आईडी प्रूफ नंबर और स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और प्रेफर्ड ब्रांच, जिस ब्रांच में आप अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो। यहां पर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि यदि ऑनलाइन आप यू मोबाइल ऐप के एप्लीकेशन के माध्यम से अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास में पैन कार्ड होना बहुत जरूरी है। बिना पैन कार्ड के आप ओपन नहीं कर पाएंगे इस बैंक अकाउंट को। और खासकर आप यहां पर देखें कि वहां पर स्टार भी लगा है, यानी कि जहां जहां पर स्टार लगा है उनको फिल करना, वो मैंडेटरी फील्ड्स के दायरे में आता है और उनको फिल करना जरूरी रहेगा। आगे यहां पर भरने के पश्चात आप यहां पर कंटिन्यू में क्लिक करेंगे तो इसके पश्चात आप यहां पर देख सकते हैं कि जो दूसरा ऑप्शन है यहां पर है एड्रेस एंड अदर डिटेल्स का, ये आएगा जहां पर आपको अपना एड्रेस रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सब कुछ आपको डालनी होगी। ठीक इसी तरह अभी ये खुलेगा नहीं क्योंकि हमने पहले यहां पर भरा नहीं है और मैं भर भी नहीं सकता क्योंकि यहां पर जो आधार नंबर अगर मैं डालूंगा तो मेरा ऑलरेडी बैंक अकाउंट है जो उसमें लिंक है तो इसलिए सपोर्ट नहीं करेगा, इसलिए भरने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो और मेरा मानना है कि इतना तो आप बहुत अच्छा आसानी से आप समझ सकते हैं कि इसके जो ऑप्शन है वो कैसे भरना होगा। इसके पश्चात जैसे कंटिन्यू में आप क्लिक करेंगे आपके सामने नॉमिनी डिटेल्स का ऑप्शन खुल के आएगा। इसमें आपको जिसको भी नॉमिनी में आप रखना चाहते हो उसको आप जानकारी फिल कर देना है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी मांग सकता है और पता मांग सकता है, तो जो भी आप भरना चाहें भर सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो एप्लीकेशन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके पश्चात आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर साइड में आ रहा है ट्रैक सेव्ड सबमिटेड एप्लीकेशन, यानी कि आपको जो एप्लीकेशन है उसकी प्रोसेस को आप यहां से ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा अकाउंट ओपन हुआ या नहीं हुआ। लेकिन मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि इसके पश्चात आपको संबंधित ब्रांच में जो आपने यहां पर ब्रांच को चुना है वहां पर जाना होगा और आपको एक बार KYC वहां पर कराना होगा और वहां से आपको पासबुक वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स बहुत आसान है, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बैंक में जाके आपको बहुत ढेर सारे फॉर्म भरने की जरूरत नहीं, ना ही फोटोकॉपी की शायद जरूरत होगी। तो ये फ्रेंड्स जानकारी थी कि आप कैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में घर बैठे अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। मेरा मानना है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी। फ्रेंड्स इस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।